दोस्तों, क्या घर के आरओ सिस्टम से पानी वेस्ट होता देखकर आपको तकलीफ होती है? अगर आप उस पानी को इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरली आरओ टेक्नोलॉजी ऐसे पानी में लगाई जाती है जिसमें मिनरल्स ज्यादा हो, जिससे वेस्ट वाटर का टीडीएस यानी के सॉल्ट कंटेंट और भी बढ़ जाता है। तो आरओ के रिजेक्ट वाटर को यूटिलाइज करने के पहले उसका टीडीएस जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास टीडीएस मीटर नहीं है तो उसकी बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस टीडीएस मीटर का उपयोग आप समय समय पर अपने वेस्ट वाटर के साथ अपने घर के टैप वाटर का और आरओ वाटर का टीडीएस जानने के लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घर के कौन से कामों के लिए हम आरओ का वेस्ट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से कामों के लिए मैक्स टू मैक्स कितने टीडीएस के पानी को उपयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि आरओ का रिजेक्ट वाटर फिर चाहे उसका टीडीएस कुछ भी हो, बालों पर बुरा इंपैक्ट डाल सकता है और नहाते समय अपनी स्किन थोड़ा सा ही क्यों ना हो पानी को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आरओ का वेस्ट वाटर ब्रश करने के साथ नहाने के लिए भी अवॉइड करना चाहिए। अगर वेस्ट वाटर का टीडीएस 500 ppm से कम हो तो ही उसे कपड़े और व्हीकल्स धोने के लिए इस्तेमाल कीजिए। पौधों को 1000 टीडीएस तक का पानी डाला जा सकता है। 1.5 से 2000 टीडीएस के पानी से आप बर्तन धो सकते हैं। 2 से 3000 टीडीएस के पानी से पोछा मारा जा सकता है और उससे हाई टीडीएस का पानी सिर्फ फ्लशिंग के लिए ही उपयोग में लाइए। अब सवाल ये उठता है कि किचन प्लेटफॉर्म पर आरओ सिस्टम के बाजू में बकेट रखना और हर बार ओवरफ्लो होने से पहले उसे उठाकर टॉयलेट में या पौधों के लिए बालकनी तक ले जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर आरओ सिस्टम में से किचन सिंक में वेस्ट होने वाले पानी को उपयोग में लाया कैसे जाए? इस सवाल का जवाब है ये आरओ वेस्ट वाटर टैंक। ये 15 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी का टैंक प्यूरिफायर के पास किचन सिंक एरिया में वॉल पर माउंट किया जाता है। इस टैंक की ओवरऑल क्वालिटी और स्ट्रेंथ इसके पर्पस के हिसाब से सफिशियंट है। आपकी सुविधा अनुसार इन दो में से किसी भी एक पोर्ट में आप वेस्ट पाइप डाल सकते हैं और दूसरे पोर्ट को ओवरफ्लो के लिए रखा जा सकता है। इस वेस्ट वाटर टैंक में जमे पानी को बर्तन धोने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉपिंग के लिए भी बकेट बाथरूम में भरने के बजाय इस टैंक से भरी जा सकती है। ये टैंक 15 और 30 लीटर इन दो कैपेसिटी में अवेलेबल है। इसके साथ विथ और विदाउट ऑटो कट ऑफ का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप चाहे तो टैंक भरने के बाद ओवरफ्लो होने के बजाय आपका मशीन ऑटोमेटिकली कट ऑफ यानी कि बंद हो जाएगा। हम प्यूरिफायर्स बेचते हैं। आपने हमारे वाटर प्यूरिफायर के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सीएम प्यूरिफायर्स देखिए और जिस प्रकार आरओ से वेस्ट होने वाले पानी को रियूज करने का बेस्ट तरीका है ये टैंक, उसी प्रकार आरओ टेक्नोलॉजी से होने वाले पानी का डीमिनरलाइजेशन और वेस्टेज कम करने का बेस्ट सॉल्यूशन है एनएफ टेक्नोलॉजी। एनएफ के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमें 9322647227 इस नंबर पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट cmpurifiers.in पर विजिट करें। इस टैंक की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डिटेल्स जहां से इन्हें खरीदा भी जा सकता है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप अपने आरओ प्यूरिफायर के साथ अपने एसी में से निकलने वाले पानी को भी स्टोर करके यूटिलाइज करना चाहे तो उस टैंक के भी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर पता चल जाएंगे। दोस्तों, 3 साल पहले चेन्नई अपने वाटर क्राइसिस की वजह से सुर्खियों में था और आज बैंगलोर है। अब वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं कि इस लिस्ट में आपके और हमारे शहरों के नाम भी जुड़ जाए। इससे बचने के लिए दूसरे क्या करेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं ये आप ही के हाथ में है। जैसे मेरे हाथों में ये वीडियो बनाना था जो आप देख रहे हैं। और सिर्फ आरओ वेस्ट वाटर को रियूज करना काफी नहीं है, पानी बचाने के दूसरे विकल्प पर भी हमें विचार और कृति करनी होगी। पानी बचाने के साथ हमारे घरों से कचरा कम से कम और सेग्रीगेटेड सही नियोजन से निकलना, ट्रैवलिंग के लिए निजी वाहनों की जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राधान्यता देना, खाने को कम से कम बर्बाद करना आज अत्यावश्यक हो गया है। क्योंकि हमारे जिंदगी के यही बदलाव हमारा और हमारे बच्चों के आने वाले दशकों का भविष्य तय करेंगे। धन्यवाद।